नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन सौरभ के दोस्तों ने हमसे सौरभ की कहानी का जिक्र किया, बताया कि क्या हुआ है, उस वक्त ही लगा जैसे सौरभ को जानता हूं मैं। ये सौरभ सिर्फ वो एक सौरभ नहीं है जो खड़गपुर में था, जो रेलवे में नौकरी करता था, जो एक ब्राइट इंजीनियर था, देश का भविष्य हो सकता था और जिसे भ्रष्टाचार से समझौता करना नहीं आता था। मुझे लगा कि मैं जानता हूं इस सौरभ को। कई ऐसे सौरभ हैं हमारे साथ। आज जिस तरह आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह पिछले लगभग 15 दिनों से, ये सौरभ की हत्या शायद 19 सितंबर को हुई है, क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें ये अब तक नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट डेट क्या है। 22 सितंबर को पता चला कि सौरभ की हत्या हो चुकी है। तो पिछले इतने दिनों से जिस तरीके से सौरभ को न्याय दिलाने के लिए सौरभ के दोस्तों, सौरभ के कॉलेज के पास आउट्स ने जिस तरीके से कैंपेन चलाया है, वो देखकर लगता है कि सौरभ ने तो अपनी जान दे दी, ईमानदारी से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। लेकिन हम लोग हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं वो सौरभ है, जो उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, जो ये इंश्योर करेंगे कि सौरभ की जान निरर्थक नहीं गई, सौरभ की जान कुछ लाएगी समाज में, कुछ करके जाएगी। मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह कर सकता हूं कि जो लड़ाई है सौरभ को न्याय दिलाने की लड़ाई, इसको हम अंजाम तक ले जाएं, हर हाल में अंजाम तक ले जाएं। सौरभ इस कड़ी का पहला नाम नहीं है, इससे पहले मंजुनाथ शनमुगम हो, सत्येंद्र दुबे हो, डीके रवि हो, कई ऐसे नाम है जिनको मैं नहीं जानता, जिनको शायद आप जानते हैं। ऐसे कई नाम है जो आते रहे, और ऐसे कई नाम है जिनकी हत्या के बाद इस सिस्टम ने कहा कि उसको सांप ने काट लिया है। ये सांप एक मेटाफर है, सही में सौरभ को सांप ने ही काटा है, उस भ्रष्टाचार के सांप ने काटा है, उसी सांप ने काटा है जिस सांप को मारने का वादा करके हम सब मतलब जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सब अपना चुनाव लड़ते हैं उसी सांप को मारने का वादा करके, और फिर भी हर बार वो सांप हमसे ज्यादा ताकतवर दिखता है हमें। तो अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा कि जिस